नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 30 नवंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भ्रष्ट अफसरों को सजा दिलाने की कवायद तेज। 67वीं बीपीएससी को लेकर फिर हुआ हंगामा। बिहार खादी की ब्रांड एम्बेसडर बनी मैथिली ठाकुर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 31 एजेंडों पर लगी मुहर। मैनेजमेंट पर बरसे पूर्व भारतीय क्रिकेटर बोले, एक्सपेरिमेंट का वक्त नहीं। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन नेवी ने 1400 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। इंडियन नेवी ने अग्निवीर के कुल मिलाकर 1400 रिक्तियों पर अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को फिजिक्स और मैथ्स सब्जेक्ट के साथ 10+2 पास होना चाहिए। फिजिक्स और मैथ्स के अतिरिक्त केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस में से कोई एक विषय होना चाहिए। साथ ही आवश्यक शारीरिक माप भी होनी चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन की अंतिम तारीख 17 दिसंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.indiannavy.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। भ्रष्ट अफसरों को सजा दिलाने की कवायद तेज। भ्रष्ट अफसरों को सजा दिलाने के लिए सरकार और भी सख्त हो गई है। बता दें कि अब न सिर्फ उन्हें पकड़ा जाता है बल्कि उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाती है। इसी को लेकर बीते दिन निगरानी विभाग के मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद के द्वारा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभाग से जुड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने निगरानी संबंधी दर्ज प्राथमिकी के विरुद्ध लंबित अभियोजन स्वीकृति की विभागवार समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अभियोजन स्वीकृति के संबंध में अपने निर्णय से जांच एजेंसियों को अवगत कराएं। वहीं जो मामले लंबे समय से लंबित हैं, उन सभी मामलों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, उसे पूरा किया जाए। बताते चले कि इस बैठक में निगरानी एडीजी सुनील कुमार झा, एसवीयू के एडीजी नैयर हसनैन खान, एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे अनुकूल रॉय की। अनुकूल सुधाकर रॉय का जन्म 30 नवंबर यानी कि आज के ही दिन साल 1998 में हुआ था। यह एक भारतीय क्रिकेटर है जो झारखंड और मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। दिसंबर 2017 में उन्हें 2018 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारत की टीम में नामित किया गया था। वह अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। उनका जन्म बिहार राज्य के रोसेरा के पास एक गाँव बिढ़ा में हुआ था। उनका उपनाम समस्तीपुर का रविंद्र जडेजा रखा गया है। उन्होंने 8 फरवरी 2018 को 2017-18 विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड के लिए अपनी लिस्ट ए की शुरुआत की। उन्होंने 1 नवंबर 2018 को 18-19 रणजी ट्रॉफी में झारखंड के लिए प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया। वह टूर्नामेंट में झारखंड के लिए अग्रणी विकेट लेने वाले खिलाड़ी थे। 9 मैचों में 30 शिकार हुए। उन्होंने 21 फरवरी 2019 को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2018-19 में झारखंड के लिए अपना 2020 डेब्यू किया। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 31 एजेंडों पर लगी मुहर। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें 31 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। बता दें कि जिन 31 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, उनमें बिहार पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा नियमावली 2022 के गठन की स्वीकृति, सतत जीविकोपार्जन, शराब एवं ताड़ी छोड़कर दूसरे काम करने वालों के लिए 6 अरब 10 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, बिहार में बाल विकास योजना के तहत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2022 की स्वीकृति समेत कई एजेंडों पर मुहर लगाई गई। सोलर सिस्टम लगाए, हर महीने सरकार से पैसे पाए। बिहार में बिजली बिल की दरें में और भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी को देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा एक योजना को लाया गया है, जिसका लाभ अगर आप लेते हैं तो आपको महंगे बिजली बिल के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा और साथ ही सरकार आपको हर महीने पैसे भी देगी। दरअसल सरकार के इस योजना के तहत अगर आप अपने घरों के छतों पर सौर ऊर्जा सिस्टम को लगवाते हैं, जिसके बाद वैसे उपभोक्ता जिन्होंने अपने घरों की छतों पर सौर ऊर्जा सिस्टम लगवाया है, उनके घर 1 मीटर लगाया जाएगा। उस मीटर में यह दर्ज होता रहेगा कि उनके सिस्टम के माध्यम से कितनी बिजली बन रही है। उसके बाद जितनी बिजली तैयार होगी वह प्रति यूनिट के हिसाब से संबंधित उपभोक्ता के मूल बिजली बिल से घटा दी जाएगी। और वही अगर उपभोक्ता से अधिक यूनिट बिजली का उत्पादन होता है तो उसके पैसे उपभोक्ता के खाते में भेज दी जाएगी। 67वीं बीपीएससी को लेकर फिर हुआ हंगामा।
67वीं बीपीएससी की परीक्षा को लेकर अभी हंगामे का दौर खत्म नहीं हुआ है। बता दें कि बीते दिन मंगलवार को अभ्यर्थियों के द्वारा एक बार फिर बीपीएससी ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा किया गया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के गाड़ी का घेराव किया, जिस वजह से उन्हें गाड़ी से उतरकर अभ्यर्थियों की मांगों को सुनना पड़ा। बताते चले कि अभ्यर्थियों के द्वारा की गई मांग में यह आरोप लगाया गया है कि परीक्षा में धांधली हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि धांधली मामले पर सीबीआई की जांच कराई जाए और साथ ही परीक्षा नियंत्रक सह सचिव अमरेंद्र कुमार को उनके पद से हटाया जाए। इन सभी मामलों को लेकर विजय सिन्हा ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है। वहीं अभ्यर्थियों ने नीतीश कुमार से यह भी मांग की है कि इस मामले के लिए एक एक्सपर्ट टीम बनाई जाए। पिता की पुण्यतिथि पर गांव पहुंचे मुख्यमंत्री। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिन अपने पैतृक गांव हरनौत प्रखंड के कल्याण विघा पहुंचे थे। दरअसल बीते दिन उनके पिता कविराज स्वर्गीय राम लखन सिंह वैद्य की 44वीं पुण्यतिथि थी, जिस वजह से वह अपने गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी स्मृति वाटिका में पिता की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके बाद वह अपने पैतृक आवास भी गए और साथ ही ग्रामीणों से मुलाकात की और उनके समस्याओं को सुना। बताते चले कि नीतीश कुमार के आगमन को लेकर उनकी सुरक्षा को देखते हुए गांव में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी। इस दौरान मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा कई जदयू कार्यकर्ता मौजूद थे, जिनमें परसा संत कौशलेंद्र कुमार, हरनौत विधायक हरि नारायण सिंह, हिलसा विधायक प्रेम मुखिया, अस्थावा विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार समेत कई जदयू कार्यकर्ता मौजूद थे। बिहार खादी की ब्रांड एम्बेसडर बनी मैथिली ठाकुर। बीते दिन मंगलवार को राजधानी पटना के खादी मॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रसिद्ध लोक गायिका एवं उभरती हुई युवा कलाकार मैथिली ठाकुर को बिहार खादी की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। अब वे दुनिया भर में बिहार खादी का प्रचार प्रसार करते ही नजर आएंगी। बता दें कि यह घोषणा सीईओ दिलीप कुमार के द्वारा की गई है। इसके साथ ही खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की यह भी कोशिश है कि वह इससे पूरे देश भर के कलाकारों को जोड़ सके। वहीं इस अवसर पर मैथिली ठाकुर के द्वारा कहा गया कि उनका प्रयास होगा कि वह बिहार के बने खादी उत्पादों को देश भर के युवाओं के साथ जोड़ सके। युवा ही किसी भी राष्ट्र के भविष्य है। अगर युवाओं ने खादी को अपना लिया तो इससे प्रदेश की बुनकरों का बड़ा कल्याण होगा। इसके साथ ही खादी विचारधारा को व्यापक रूप से प्रचार प्रसार मिलेगा। पटना के कंकड़बाग में हुआ फ्री हेल्थ चेकअप। बीते दिन मंगलवार को राजधानी पटना के कंकड़बाग में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। बताते चले कि यह फ्री हेल्थ चेकअप कैंप द फिजियोथेरेपी क्लिनिक कंकड़बाग के द्वारा लगाया गया, ताकि इसमें वैसे लोग भी अपनी जांच करवा सके जिनके पास किसी अस्पताल में जाने के लिए उतने पैसे नहीं होते जितना कि एक चेकअप करने के लिए जरूरी होता है। जानकारी के लिए बता दें कि इस कैंप में दिल्ली एम्स के डॉक्टर प्रभात रंजन के द्वारा ज्वाइंट दर्द के बारे में बताया गया। इसके साथ ही उन्होंने ज्वाइंट दर्द से जुड़े निदान एवं उपचार भी बताए हैं। बताते चले कि इस कैंप का लाभ करीब 20 लोगों के द्वारा उठाया गया था। इस कार्यक्रम में शामिल सतेंद्र एवं अंजलि ने भी अपना योगदान दिया। क्लिनिक के निर्देशक डॉक्टर सुजीत कुमार ने बताया कि ठंड के मौसम में दर्द की समस्या ज्यादा होती है, इसलिए थोड़ा व्यायाम करना चाहिए। उड़नी डैम इस वजह से है बेहद खास। उड़नी डैम बांका जिले में स्थित है, जहां आप जाकर जल क्रीड़ा का लुत्फ उठा सकते हैं। इस जगह पर आप नदी और बांध की सुंदरता एक साथ देख सकते हैं। उड़नी डैम में मोटर बोट, स्पीड बोट और जेट स्कीइंग से लेकर एडवेंचर वाटर स्पोर्ट जैसी व्यवस्था शुरू की गई है। पर्यटन की दृष्टि से यह एक बेहतरीन जगह है। यहां खाने पीने की चीजों से लेकर उपलब्ध पार्किंग की सुविधा करवाई गई है। उड़नी डैम एक पिकनिक स्पॉट से कम नहीं है और रोजाना यहां सैकड़ों लोग परिवार या दोस्त संग इस जगह का भरपूर आनंद उठाते हैं। सुरक्षा के नजरिए से भी यह जगह सही है और आप भी इस रोमांच से भरे उड़नी डैम जरूर जाएं। जाने बिहार बोर्ड किन छात्रों को देगा फिर से एग्जाम देने का मौका। वैसे छात्र जो बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर 2023 की परीक्षा किसी कारण से नहीं दे पाए थे, वैसे बच्चों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से दोबारा एग्जाम देने का मौका दिया जा रहा है। बता दें कि वैसे छात्रों के लिए बोर्ड के द्वारा विशेष परीक्षा करवाई जा रही है, जिनमें उन्हें एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार इस परीक्षा का आयोजन अप्रैल से मई 2023 तक कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा को लेकर भी जानकारी सामने आ गई है। इस परीक्षा में वही छात्र बैठ सकेंगे जो स्कूल कॉलेजों के द्वारा आयोजित की गई परीक्षा में पास हो गए थे, लेकिन शिक्षण संस्थान की लापरवाही की वजह से उनका ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं किया जा सका था और जिस वजह से वह छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे। इस परीक्षा का आयोजन वार्षिक परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी किए जाने के बाद अप्रैल या मई में किया जाएगा। जाने बिहार में कितने प्रतिशत घरों को मिला है नल जल का हाउस कनेक्शन।
PHED के द्वारा हर घर नल जल योजना को लेकर सोशल ऑडिट कराया गया, जिसके तहत यह पाया गया है कि 6 माह से चलाई जा रही इस योजना को अब तक 4095 पंचायतों में की गई है, जिसमें कुल 94% लोगों को इस योजना से संतुष्टि मिली है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं इसमें शामिल हैं जिन्होंने इसके संबंध में शिकायत भी की है, जिसे लेकर विभाग के द्वारा ऑडिट रिपोर्ट पर समीक्षा की गई है और यह निर्देश दिया गया है कि दोषी एजेंसियों को ब्लॉक लिस्ट किया जाए। जानकारी के लिए बता दें कि इस रिपोर्ट से पता चलता है कि अभी 2% घरों में हाउस कनेक्शन है, वहीं 12% पंचायत ऐसे हैं जहां नल जल योजना से जुड़े शिकायतों को सही समय पर नहीं सुलझाया जाता। इसके साथ ही 4% ऐसे हैं जहां समय से पानी नहीं पहुंचाया जाता। 3 दिवसीय राजगीर मेले में ग्राम श्री मेला का भी आयोजन। बीते दिन मंगलवार को वित्त विभाग सह प्रभारी मंत्री नालंदा विजय कुमार चौधरी एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलित कर राजगीर मेले का उद्घाटन किया गया। बता दें कि यह कार्यक्रम 3 दिवसीय है जो कि 1 दिसंबर तक चलेगा। इसके लिए विशेष रूप से सरकारी भवन और होटलों को सजाया गया है। बताते चले कि मुख्य पंडाल से थोड़ी दूर पर इसी परिसर में ग्राम श्री मेला, पुस्तक मेला, कृषि मेला और व्यंजन मेला का भी आयोजन किया गया है। वहीं ग्राम श्री मेला का आयोजन 4 खंडों में आयोजित किया गया है, जिसमें मिली जानकारी के अनुसार 40 स्टॉल लगाए गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि इस मेले के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री शामिल नहीं हुए हैं। डीएम, एसएसपी और बीएसएफसी के प्रबंध निदेशक को हाईकोर्ट ने किया तलब। पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश ए अमानुल्लाह एवं न्यायाधीश सुनील दत्त मिश्रा के खंडपीठ के द्वारा फ्रेजर रोड स्थित तंदूर हट रेस्टोरेंट को अवैध रूप से तोड़े जाने के मामले को लेकर निर्देश दिया गया है कि पटना के डीएम, एसएसपी और बीएसएफसी को अगली सुनवाई में कोर्ट में उपस्थित होना है। जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को की जाएगी। बता दें कि इस मामले को लेकर कोर्ट के सामने यह दलील दी गई थी कि तंदूर हट रेस्टोरेंट को गैरकानूनी रूप से खाली कराकर तोड़ा गया है। पदाधिकारी के द्वारा बगैर किसी अदालती आदेश के रेस्टोरेंट के सील करवा दिया गया और साथ ही उसे बुलडोजर की मदद से तोड़ भी दिया गया। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाईकोर्ट के द्वारा 7 सितंबर को एक अंतरिम आदेश पारित कर उक्त रेस्टोरेंट के तोड़े जाने पर रोक लगा दी गई थी। सरकारी अस्पतालों में आधे से अधिक पद रिक्त, जाने क्यों। हम देखते हैं कि सरकारी अस्पतालों में आधे से अधिक डॉक्टरों के पद रिक्त है। बता दें कि यह अस्पतालों की हालत तब है जब प्रतिवर्ष बिहार के मेडिकल कॉलेज से 2500 डॉक्टर निकलते हैं। वहीं सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री लेने वाले और PG की डिग्री लेने वाले करीब 2200 और 600 युवा शामिल है। बता दें कि इसे लेकर नए डॉक्टरों की शिकायत है कि प्रतिवर्ष नियमित रूप से डॉक्टरों की बहाली नहीं की जाती, जिस वजह से अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी होती है। वहीं IMA का मानना है कि सरकारी अस्पतालों में नियुक्ति की प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि कई युवा डॉक्टर इससे ही अजीज होकर प्राइवेट अस्पतालों की ओर भाग जाते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में वर्षों बाद रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जाता है। इसके साथ ही इनका मानना है कि अगर सरकार चिकित्सकों की कमी को दूर करना चाहती है तो इसके लिए उन्हें सबसे पहले दुरूह प्रक्रिया को खत्म करना होगा। बिहार में आज क्या रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में आज सुबह का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस है। हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 17 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो सकता है। बिहार में सुबह हवा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं बिहार में आज दोपहर के समय तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है और यह 29 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस होगा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 28% रहेगी। इसके साथ ही शाम तक तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। बिहार में शाम के समय हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। वहीं अगर आज के रात के तापमान की बात की जाए तो रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और हवा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। कवित्री अनामिका जैन अंबर 26 दिसंबर को फिर आ रही पटना। सोनपुर मेले में काव्य पाठ से रोक दिए जाने के बाद एक बार फिर कवित्री अनामिका जैन अंबर 26 दिसंबर को बिहार आ रही हैं, जहां वो अपने काव्य पाठ का प्रदर्शन पटना स्थित श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में करेंगी, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। हालांकि इस बार उन्हें निमंत्रण BJP की ओर से भेजा जाएगा। बताते चले कि सोनपुर मेले में अनामिका जैन के साथ हुए व्यवहार को लेकर कला संस्कृति मंच के प्रदेश अध्यक्ष वरुण कुमार सिंह के द्वारा कहा गया है कि दिनकर जी की धरती पर साहित्य का अपमान कहीं न कहीं बिहार का भी अपमान है। ये देश की बेटी है। बिहार सरकार ने उन्हें बुलाकर काव्य पाठ नहीं करवाया, ये बहुत बड़ा गुनाह है। 26 दिसंबर को कला संस्कृति मंच अनामिका जैन अंबर का काव्य पाठ करवाएगी और साथ ही उन्हें सम्मानित भी करेगी। चिराग की रणनीति पर राजनीति BJP के साथ 2024 में दिखने वाली है या नहीं।
बिहारी न्यूज से हुए साक्षात्कार में चिराग पासवान के द्वारा कहा गया कि ये जो तैयारी की जा रही है अभी फिलहाल इस पे कोई भी साफ तौर पे पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस पे पार्टी में चर्चा जरूर हो रही है। उनका कहना है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ इस विषय पे बात हो रही है और गठबंधन को लेकर भी बात हो रही है। वहीं उपचुनाव के बीजेपी में समर्थन देने वाले का फैसला लिया है, पर कई और जरूरी विषय है जिसपे अभी पुष्टि होनी बाकी है और सभी चीजें अगर सही हिसाब से रहती है तो उसके बाद उसकी घोषणा की जाएगी। करीब 2 महीने बाद जगदानंद सिंह की आरजेडी ऑफिस में हुई वापसी। बीते दिन मंगलवार को करीब 2 महीने बाद जगदानंद सिंह की आरजेडी ऑफिस में हुई वापसी। बीते दिन मंगलवार को करीब 2 महीने बाद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह आरजेडी के कार्यालय पहुंचे हैं। बता दें कि उनके स्वागत के लिए खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव उनके साथ मौजूद थे। वहीं उनके वापस लौट आने से आरजेडी के नेताओं और समर्थकों के बीच उत्साह देखने को मिल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जगदानंद सिंह अपने बेटे सुधाकर सिंह के इस्तीफे से नाराज हो गए थे और उन्होंने आरजेडी से दूरियां बना ली थी। हालांकि फिर लालू यादव के द्वारा सिंगापुर के लिए रवाना होने से पहले उन्हें बुलाया गया और उनसे बातचीत की गई, जिसके बाद एक बार फिर उन्हें आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित कर दिया गया है। बताते चले कि दोबारा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के बाद उनका यह पहला मौका था जब वो आरजेडी ऑफिस पहुंचे थे। वहीं एक बार फिर वे बीते दिन से अपने पद की जिम्मेदारी निभाते नजर आए। जाने किस दिन तेजस्वी करेंगे कुर्नी में चुनाव प्रचार। कई दिनों से ये बातें सामने आ रही थी कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कुर्नी में चुनाव प्रचार करने जा सकते हैं। हालांकि कुछ समय तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई थी, लेकिन अब यह बात सामने आ गई है कि तेजस्वी यादव अब कुर्नी उपचुनाव के लिए जा सकते हैं। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी मनोज कुशवाहा के लिए वोट मांगने 30 नवंबर को जा सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि कुर्नी में यह पहला मौका होगा जब महागठबंधन सरकार एक साथ किसी महागठबंधन उम्मीदवार के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। वहीं मिली जानकारी के अनुसार तेजस्वी 30 नवंबर को अलावा 2 दिसंबर को भी कुर्नी में चुनाव प्रचार करने जा सकते हैं। दरअसल 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कुर्नी चुनाव में प्रचार करने जाएंगे, तो वहीं उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान तेजस्वी यादव भी उनके साथ जा सकते हैं। मैनेजमेंट पर बरसे पूर्व भारतीय क्रिकेटर, बोले एक्सपेरिमेंट का वक्त नहीं। भारतीय टीम में लगातार होते बदलाव को देखकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ मैनेजमेंट पर जमकर बरसे। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि भुवनेश्वर कुमार इस दौरे पर क्यों नहीं है, इस बात का मुझे कोई अंदाजा नहीं है। वह एक अच्छे गेंदबाज है लेकिन इस दौरे का हिस्सा नहीं है। नए खिलाड़ियों की खोज में हम पुराने को खो रहे हैं, कहते हैं ना डायमंड की खोज में हम गोल्ड को खो रहे हैं। हमारे पास एक्सपेरिमेंट का वक्त नहीं है, महीने यूं ही गुजर जाएंगे और आप पाएंगे कि वर्ल्ड कप आ गया, इसलिए आप खिलाड़ियों का निर्णय लें और उन्हें बैक करें। इसके अलावा उन्होंने उमरान मलिक को लेकर कहा कि उनके पास एक्स्ट्रा पेस है, उनके जैसे गेंदबाजों को निश्चित तौर पर बैक करना चाहिए। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। गुड़ियों का संग्रहालय दिल्ली की स्थापना 1965 में मशहूर कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई ने की थी। प्रियंका चोपड़ा 2000 में मिस वर्ल्ड बनी। आईसीसी ने 2002 में जिम्बाब्वे में न खेलने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। बांग्लादेश की संसद में 2004 में महिलाओं के लिए 45% सीटों वाला विधेयक पारित हुआ। मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार ने 2008 में संघीय जांच एजेंसी के गठन की घोषणा की। सरकार ने SAT रिजवी वेतन समिति का कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय लिया। भारतीय इतिहासकार रोमिला थापर का जन्म 1931 में हुआ। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुधा मल्होत्रा का जन्म 1936 में हुआ। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का जन्म 1858 में हुआ। भारत के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल का निधन 2012 में आज ही के दिन हुआ था। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री क्रेडिट योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री क्रेडिट योजना के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि सरकारी अपडेट नामक यूट्यूब चैनल के एक वीडियो में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री क्रेडिट योजना के तहत सभी आधार कार्ड धारकों के खाते में 80,000 की नगद राशि दे रही है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है, केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। WhatsApp को अब यूजर्स पर्सनल डायरी की तरह कर सकेंगे इस्तेमाल। अब आप WhatsApp का इस्तेमाल पर्सनल डायरी के तौर पर भी कर सकेंगे। कंपनी ने अपने इस नए फीचर को मैसेज योरसेल्फ का नाम दिया है। यह नया फीचर सभी यूजर को बेहद जल्द मिलेगा। इसके लिए आपको फीचर लॉन्च होने के बाद सबसे पहले ऐप को गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से अपडेट करना होगा। इसके बाद अपडेटेड WhatsApp को ओपन करें, एक नई चैट क्रिएट करनी होगी। यहां कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपको खुद का नंबर मिलेगा। इसके बाद आपको अपना नाम और नंबर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप खुद को मैसेज कर सकेंगे और व्हाट्सएप की डायरी की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे। 1 दिसंबर को लॉन्च
लॉन्च होगा डिजिटल रुपया। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से घोषणा कर दी गई है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से यह जानकारी दी गई है कि 1 दिसंबर को डिजिटल रुपया को लॉन्च कर दिया जाएगा। बता दें कि रिटेल डिजिटल करेंसी के लिए यह पहला पायलट प्रोजेक्ट होगा, जिससे डिजिटल रुपये का निर्माण, डिस्ट्रीब्यूशन और इसके इस्तेमाल की पूरी प्रक्रिया की टेस्टिंग की जाएगी। बताते चले कि यह डिजिटल करेंसी पूरी तरह नोटों की तरह ही वैध और मानी होगी। वहीं इसका इस्तेमाल मोबाइल फोन या डिवाइस में स्टोर बैंकों के डिजिटल वॉलेट से डिजिटल रूप में लेन देन के लिए किया जा सकता है। इसके साथ ही आप चाहते हैं कि आप इसे देकर कागजी नोट हासिल करें तो यह काम भी आप कर सकते हैं। इस करेंसी को रिजर्व बैंक के द्वारा दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग CBDCW तो है तो वहीं दूसरा भाग CBDCR है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सुशील कुमार, अखिलेश यादव, रजनीश कुमार, नुनु कोलू कुमार, कुश कुमार यादव, रविंद्र पासवान, पंकज कुमार दास, सुजय कुमार, अंशु कुमार, रघुनंदन कुमार, सदुल्लाह पलवी, भान प्रकाश मौर्य, अजय कुमार, विद्यासागर, रमेश पाल। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार डिजिटल रुपया लॉन्च होने से लोगों को क्या फायदा मिलेगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।